नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी एस एस बी डी ट्यूटोरियल में एमजे के साथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट्स को इसके बारे में डाउट होता है और कई बार कई चीज़ें वो एस एस बी के अंदर भी इसको लेकर, इस टेस्ट को लेकर गलत कर देते हैं। दैट इज़ वाई वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं या फिर वो रिकमेंड नहीं हो पाते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं साइकोलॉजी की, दैट इज़ पीपीटी एंड टैट स्टोरीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा नेक्स्ट बैच है सुपर 38 NDA CDS का एंड SSB इंटरव्यू का, तो स्टार्टिंग फ्रॉम NDA मैं बताना चाहूँगा, नेक्स्ट बैच NDA का है 17th ऑफ जुलाई को, ठीक है। इसकी रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है एट SSBGuide.com, आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पर रजिस्टर करिए। 45 डेज का कोर्स होगा, ठीक है, 45 डेज का कोर्स होगा। फीस इसकी जो है 30,000 है। तो जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं, 45 डेज का कोर्स है, ठीक है। पिछला बैच लग रहा है कंटिन्यूसली, उसकी कुछ फुटेज मैं आपको जल्दी से जल्दी दिखाऊंगा। आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज अनलिमिटेड सीट्स रहती हैं, आपको पता है मेरे बैच के अंदर। नेक्स्ट जो बैच है, अगेन हम अगर मैं SSB की बात करूं, 1st of July को जो कैंडिडेट TES के लिए जा रहे हैं या NDA की SSB जिनकी आएगी, 1st of July को हमारा SSB का बैच स्टार्ट हो रहा है। उसकी रजिस्ट्रेशन भी आप SSBGuide.com पर जा सकते हैं। उसकी जो फीस है वो है ₹15,000। अब ये जो फीस है इसके अंदर इंक्लूडिंग ऑफ होस्टल है, ठीक है। तो आप हॉस्टल के साथ है ये फीस, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। SSB का कोर्स जो है वो 15 डेज का है, जिसके अंदर जनरल रायना वी हैव फॉर एंटरिंग ऑफिसर, उसकी फुटेज भी आप सब लोगों को मैं जल्दी दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो CDSE का बैच है, एंड NDA को लेकर एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, जो NDA के लिए है, NDA 2 के लिए हम प्रिपेयर करवाएंगे जो 9 सितंबर को होने वाला है। तो दैट मींस कि अगर आप 17 जुलाई वाले बैच में रजिस्टर्ड हैं, तो आप डायरेक्ट यहां से प्रिपेयर करके NDA का एग्जाम देने वाले जाएंगे। तो इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट आप लोगों को होगा कि यहां से डायरेक्ट आप फ्रेश प्रिपेयर करके जाओगे और सीधा एग्जाम लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो बैच है 17th of July को, दैट इज फॉर CDS, इसकी रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गई है CDS 2 के लिए SSBGuide.com के ऊपर। काफ़ी बच्चों ने अभी रजिस्टर कर दिया है, कुछ सीट्स बची हैं अभी। इसकी फीस भी ₹30,000 है पर 45 डेज कोर्स होगा, ठीक है। ये भी CDS 2 के लिए हम प्रिपेयर करवाएंगे 45 डेज कोर्स। अब सबके अंदर यहाँ पर SSB इंक्लूडेड है, NDA प्लस SSB कोर्स है, ठीक है, प्लस SSB कोर्स है, ये तो सिंपल SSB है, एंड CDS प्लस SSB भी है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो लोग कह रहे थे कि सर प्राइस में कुछ प्रॉब्लम है, रेट ज़्यादा है, तो मैं आपको एक चीज़, एक ऑफर आप सब लोगों को देता हूँ। अगर रिटर्न प्लस SSB कोर्स 30,000 के अंदर अगर और कोई इंस्टीट्यूशन दे रहा हो, तो मैं आपको इनटू टू करके मेरे से पैसे ले लेना। आई गारंटी इट, ऑल इंडिया चेक कर मैंने ये रेट डिसाइड किया है, ठीक है, जिसके अंदर रिटर्न प्लस SSB कोर्स साथ होस्टल विल बी प्रोवाइडिंग यू ओनली फॉर ₹30,000, ठीक है। आप लोग यू कैन वेल इमेजिन एक हॉस्टल में रहने का, बच्चे का 45 दिन का खर्चा कितना होगा, खाने पीने का खर्चा कितना होगा और ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा होगा, सो यू कैन वेल इमेजिन, ठीक है। तो ये हमारे कोर्सेज हैं, आप रजिस्टर करना चाहते हैं SSBGuide.com पर जाइए, जल्दी से अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज हाउ टू राइट स्टोरीज इन PPDT एंड TAT। देखो, जब भी PPDT की या TAT की बात आती है, वी टॉक अबाउट पिक्चर्स, कि सबसे पहले अगर मैं PPDT की बात करूँ या TAT की बात करूँ, बिकॉज दोनों में हमें स्टोरीज पेन डाउन करनी है, ठीक है। तो जब भी आप जैसे भी पिक्चर को एनालाइज करेंगे, फर्स्ट थिंग यू हैव टू एनालाइज इज बैकग्राउंड, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर। नेक्स्ट थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टर, बिकॉज आप जो मेन कैरेक्टर आप चूज कर रहे हैं ना, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो मेन कैरेक्टर आप खुद हो, जो राम, श्याम, रामू, ठीक है, ये जो आप बनाते हो, ये मेन कैरेक्टर आप खुद हो। नेक्स्ट चीज जो आपकी आती है, होते हैं क्लोथिंग ऑफ मेन कैरेक्टर, क्या उसने कपड़े पहने हैं, मेन कैरेक्टर
ठीक है, क्लोथिंग आ गई उसकी, कपड़े क्या पहने हैं उसने, ये आइडेंटिफाई करना है। देन गिव हिम अ जॉब प्रोफाइल, देन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द पिक्चर, इन द स्टोरी, कोई भी कॉमन प्रॉब्लम जो अपनी लाइफ से रिलेटेड हो, बिकॉज दिस इज बी इज अ टेस्ट ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी। आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उस प्रॉब्लम क्रिएट करिए, आपकी डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको पिक्चर में लग रही है, बिकॉज जो राम वहाँ पर खड़ा है वो आप हैं। सो आस्क योर सेल्फ, व्हाई एम आई स्टैंडिंग देयर, मुझे क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। देन गिव अ पॉजिटिव सोल्यूशन, ठीक है, क्रिएट प्रॉब्लम एंड गिव पॉजिटिव सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। आप जो प्रॉब्लम बनाई है उसका सोल्यूशन भी तो देना है। तो आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, मेरी लाइफ में कुछ है, आपकी लाइफ में कुछ है, बट सोल्यूशन सबका है। सो जब हम पॉजिटिव स्टोरी की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट पॉजिटिव सोल्यूशन, बिकॉज प्रॉब्लम तो डाला है, नेगेटिव तो होगी होगी स्टोरी, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं, बिकॉज आपकी डेली लाइफ से जो प्रॉब्लम होती है वही आपने डालनी होती है पिक्चर्स के अंदर। यही चीज बच्चे समझते नहीं है और बुक वाली स्टोरी स्क्रैप करके जाते हैं, लिख देते हैं, स्क्रीन आउट हो जाते हैं या फिर रिकमेंड नहीं हो पाते हैं। दैट इज द एक्चुअल रीजन। रिमेंबर, एसएसबी के अंदर पर्सनालिटी कोई भी चलेगी, ठीक है, बट कंडीशन इज बंदा ट्रूथफुल होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज उसके अंदर थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको मैंने क्राइटेरिया बताया कि आप स्टोरी कैसे लिख सकते हो पीपीटी या डैट के अंदर, दोनों का प्रोसीजर सेम रहता है, बस पीपीटी में मिला करती है, परसेप्शन हर एक कैंडिडेट की अलग अलग रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं कोर्स के लिए तो ssbguide.com पर जरूर जाइए, वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं अपनी सीट्स को आने वाले बैचेस के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।